अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद रज़ी। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं मटन यखनी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बड़ी अच्छी रेसिपी है व्यूवर्स, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये हमने जी हाफ़ के जी मटन लिया है जी, और ये हमने दो अदद प्याज लिए हैं जी, और एक अदद हमने इसमें टमाटर ऐड किया जी। ये व्यूवर्स, ये सारा ये हमने गोश्त ऐड कर दिया इसमें जी। अभी इसमें हम प्याज और टमाटर को ऐड करेंगे। जी व्यूवर्स, ये इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है एक चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा डाला है जी एक टीस्पून, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको पकने के लिए रख दिया है जी। अच्छे से आपने इसको पका लेना है जब तक ये गल ना जाए जी। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला है जी, इसको अच्छे से भून लिया है, और ये काली मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे व्यूवर्स। अच्छे से इसको आपने भून लेना है, और इसमें पानी डाल दें जी थोड़ा सा, जितनी आपको यखनी रिक्वायर्ड है व्यूवर्स उतना आप इसमें पानी ऐड कर दें। और ये हमने दो चम्मच देसी घी के लिए हैं जी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे व्यूवर्स इसका टेस्ट बहुत प्यारा आ जाएगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, ये हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है व्यूवर्स, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। व्यूवर्स, ये सर्दियों की बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जैसे ही सर्दियां आ रही हैं उस मौसम के लिहाज से, नज़ला ज़ुकाम के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई किया करें। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।